आज हम बात करने वाले हैं सीएससी की तरफ से आया हुआ 10 नए अपडेट जो कि डीजी पे को लेकर है। अगर आप भी सीएससी चलाते हैं और डीजी पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये 10 अपडेट के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है जो खुद सीएससी की टीम ने ही यहाँ पर बताए हैं। तो प्रैक्टिकली चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि डीजी पे में करेंट अकाउंट लिंक किए हुए हैं या फिर सेविंग अकाउंट लिंक किए हुए हैं, लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शन करते वक्त वो करेंट अकाउंट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिस वजह से उनका TDS कट हो रहा है। काफ़ी सारे लोग का 10,000 20,000 30,000 यहाँ तक कि 40-50,000 तक का आपका कट हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है आप एक पैन कार्ड में हर साल एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो इसका क्या है सोलूशन, क्या रास्ता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी DGP इस्तेमाल कर रहा हूँ, CSP इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर भी मेरा TDS अभी तक नहीं कटा, तो मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल करता हूं। वीडियो पे बने रहिए, आपको सब कुछ डिटेल्स में पता चल जाएगा। आने वाले दिनों में TDS के नाम पर आपका एक भी रुपया नहीं कट होगा, और अगर आपका कट हो गया है तो कैसे वापस लाया जाए वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो डीजी पे में सबसे जो पहला अपडेट है और CSC का कहना यही है, आपको हर समय RD सर्विस को रिन्यू कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप मंत्रा यूज करते हैं तो आपको आना है गूगल पे और आपको टाइप करना होगा MANTRA मंत्रा RD सर्विस लिखेंगे, इसके बाद एंटर। पहले ही लिंक आएगा, आप यहां पर क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग मंत्रा सॉफ्टटेक में। इसके बाद ये जो कैप्चा है आपको इसे ऐसे फिल करना होगा, इसके बाद सबमिट, तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बताऊँगा कैसे करना है, अगर आपका नहीं भी चल रहा है मंत्रा तब भी आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मोर्फो इस्तेमाल करते हैं तो आपको आना है गूगल पे और आपको टाइप करना होगा मोर्फो RD सर्विस, इसके बाद एंटर। पहले लिंक आएगा rdserviceonline.com, आप यहां पर क्लिक करेंगे। जो लोग मोर्फो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हर साल RD सर्विस के नाम पर 200-300 रुपया खर्च करना होता है, जिसके लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे रिन्यू RD सर्विस में। इसके बाद आपको यहां पर बाय RD सर्विस पर क्लिक करना है। आपका मोर्फो के पिछले साइट में सीरियल नंबर लिखा होगा जिसको आपको यहाँ पर डालना होगा। डिवाइस का मॉडल कौन सा है यहाँ पर चूज करना है। इसके बाद एड टू कार्ड पर क्लिक करके 375 रुपीज अभी के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। ये पैसा आगे चल के कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि मैं मंत्रा यूज कर रहा हूँ तो मंत्रा का वेबसाइट में आ चुका हूँ। आपको यहाँ पर 3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने होते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर विंडोज डाउनलोड MFS 100 RD सर्विस लिखा है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड जो न्यू वाला है डाउनलोड MFS 100 RD सर्विस 1.0.4 ये लेटेस्ट वाला है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड करें। इसके बाद सेकंड में आप यहाँ पर देखिए डाउनलोड MFS 100 क्लाइंट सर्विस है, यहाँ पर भी आप जो न्यू लिखा है इस पर क्लिक करेंगे, ये 9.0.3.8। इसके बाद यहाँ पर देखिए ड्राइवर, ये तीनों ड्राइवर को आपको डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा RD सर्विस को, इसके बाद क्लाइंट सर्विस को, इसके बाद ड्राइवर को। काफ़ी सारे लोग का जो लोग DGP इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यू तो चल रहा है, लेकिन कोई अदर सर्विस में जैसे आपका फिंगरप्रिंट मशीन काम करने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं नहीं चल रहा है। तो मैं जैसे बताया आपको इसी तरीके से आपको इंस्टॉलेशन करना होगा सॉफ्टवेयर को, इसके बाद आपको रिस्टार्ट करना होगा कंप्यूटर को, फिर से आपको आना है यहाँ पर सर्च पे, इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा सर्विस, इसके बाद एंटर, और आप यहां पर देखिए M टाइप करेंगे। जैसे कि मैं इस कंप्यूटर में मंत्रा यूज नहीं कर रहा तो यहां पर मंत्रा नहीं है, जैसे कि यहां पर मोर्फो RD सर्विस है इसी तरीके से मंत्रा भी आ जाएगा। तो मंत्रा पर क्लिक करके यहां पर देखिए स्टॉप होगा, स्टॉप पर क्लिक कर दीजिएगा, इसके बाद कंप्यूटर को फिर से रिस्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपका मंत्रा या फिर मोर्फो आपके कंप्यूटर में ज़रूर चलेगा, RD सर्विस रिन्यू हो जाएगा। अगर आपका फिर भी कोई दिक्कत आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। इसके बाद जो सेकंड जो अपडेट है वो है DGP अपडेट को लेकर, मतलब कि आपको DGP को हर समय अपडेट कर लेना चाहिए। अपडेट करने के लिए आपको आना है गूगल पे और आपको टाइप करना होगा DGP, इसके बाद एंटर। पहले लिंक आएगा DGP.CSCCloud.in, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहां पर देखिए डाउनलोड DGP का एक बटन है, आप यहां पर क्लिक करेंगे, इसके बाद DGP
वर्जन 6.7 जो विंडो के लिए है, तो ये सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना होगा, ना कि किसी अदर वेबसाइट में जाकर आपको डाउनलोड करना है। DGP की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करके इससे अपडेट कर लेना चाहिए। इसके बाद जो 3 नंबर का अपडेट है, अगर आप DGP इस्तेमाल करते हैं तो हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको एक बार अपने पासबुक को सिंक कर लेना चाहिए, ताकि आपको पता चलेगा आपने जो ट्रांजेक्शन किया हुआ है वो पैसा आया या फिर नहीं आया, ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए। इसके बाद जो 4 नंबर की बात बताई गई है वो है डोंट डू एनी अदर वर्क एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर आप किसी का पैसा उठा रहे हैं तब आप कोई अदर वर्क ना करें, क्योंकि आपका इंटरनेट का जो स्पीड है वो कम हो सकता है। इसीलिए जैसे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन नहीं करिए, आप वहाँ पर साइट में कोई यूट्यूब वीडियो मत देखिए या फिर कोई अदर वेबसाइट में मत जाइए जिसमें इंटरनेट ज़्यादा खपत हो, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन करते वक्त अगर आपका पैसा कट हो गया तो उस वजह से तो वो इंटरनेट की स्पीड की ही गलती होती है। सो आपको ये बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और 5 नंबर का जो बात आपको पता ही होगा, सब लोग जानते हैं कि ट्रांजेक्शन करते वक्त हमको ना ही क्लोज बटन को दबाना है या फिर ना ही बैक बटन को दबाना है, ये तो सभी को पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं था। इसके बाद जो नेक्स्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप DGP इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने पासबुक में जहाँ पर पैसा आता है वो पासबुक या फिर चेकबुक जो अपलोड करते हैं वहाँ पर आपका अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड क्लियरली मेंशन होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप माई रजिस्ट्रेशन पेज में वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और आप हर 3 महीने में माई रजिस्ट्रेशन पेज में आपको अपना KYC कर लेना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है DGP की पे आउट को लेकर। काफ़ी सारे लोग पे आउट करते हैं वो गलत टाइम पर करते हैं, क्योंकि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि आपको कब कैसे पे आउट करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 5,000-10,000 हो गया तो पैसा उठा लेते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए 25,000 में अगर आप IMPS करते हैं तो आपको वैसे ही 5 रुपया कट होगा, 26,000 हो जाएगा तो फिर भी आपका 10 रुपया कट हो जाएगा, यानी कि 25,000 के अंदर अगर आप IMPS करते हैं तो 5 रुपया कट होगा। इसीलिए अगर आपको IMPS करना है तो 25,000 तक वेट कर लीजिए, अगर आपको 25,000 से ज़्यादा करना है तो आपको 50,000 तक वेट कर लीजिए ताकि आपको 10 रुपया कट हो। इसके बाद जो लोग NEFT करते हैं उनको बता दें कि NEFT अगर आपको करना है तो दिन में वर्किंग डेज में जो कि बैंक खुला होता है उसी दिन 11:30 बजे से अंदर ही आपको NEFT करना है, तब जाके आपका पैसा 1 घंटे के अंदर आता है। लेकिन अगर आप 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे करेंगे तो आपका पैसा आएगा लेकिन लेट में आता है, 2-3 घंटा कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद कोई कोई पैसा तो नेक्स्ट डे भी आता है, आप डर जाएंगे और CSC कॉल सेंटर को फ़ोन करेंगे कि मैं पे आउट किया था अभी तक पैसा आया नहीं है। इसीलिए आपको दिन में ही पैसा ज़्यादा से ज़्यादा उठाएँ और हो सके तो IMPS करें शाम में या फिर वो सेकेंड आवर में, ताकि आपका पैसा ना फंसे। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है, काफ़ी सारे लोग DGP इस्तेमाल करते हैं उस टाइम वो क्या करते हैं, रिपीटेड ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर किसी बंदे का फेल हो गया है तो आपको रुक जाना है उस टाइम, क्योंकि वो बंदे का कुछ दिक्कत होगा इसीलिए, या फिर वो जो बैंक का आप निकाल रहे हैं उस बैंक का कोई सर्वर में कोई दिक्कत होगा इसीलिए पैसा नहीं उठ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग उंगली करने की आदत है, इसीलिए काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, बार बार ट्रांजेक्शन करते हैं, जिस वजह से कस्टमर का पैसा फंस जाता है और आपको पैसा मतलब नहीं देने के लिए उसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो पैसा तो कस्टमर के खाते में जाएगा। एक और अपडेट है इसके रिगार्डिंग, काफ़ी सारे लोग दिक्कत में आ रहे हैं, मैं आपको इसका सलूशन बता देता हूँ। पैसा जब कट जाता है कस्टमर के खाते से, आपको पैसा भूल से भी नहीं देना है, आपको जितना हो सके 99.9% आपको उनको समझाना है और उतना ही परसेंट तक आपको वहाँ पर पैसा नहीं देना है। अगर आप देते हैं तो आपकी गलती है और वो पैसा जो है रिफंड आएगा, लेकिन कहाँ आएगा, आपके वॉलेट में नहीं आएगा, वो कस्टमर के खाते में आएगा। तो जब भी पैसा फंसे, जब भी पैसा कट हो गया और आपके वॉलेट में नहीं आया, तो आप समझ जाना पैसा कटा है तो कस्टमर के खाते में ही आएगा, आपके वॉलेट में कभी नहीं, भूल कर भी नहीं आएगा। और वो पैसा कब आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं। वो पैसा आएगा 7 वर्किंग डेज में। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे केस हुए हैं, हाल ही में भी 4,000 का ऐसा हुआ था और 2,000 का ऐसा हुआ था, 3,000 का ऐसा हुआ था, 3 बार ऐसा हुआ, और तीनों के तीनों केस में अलग अलग बैंक के केस था। एक था ग्राम्य बैंक, एक था बैंक ऑफ बड़ौदा और तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक। ये तीनों बैंक के केस में मैंने देखा हूँ। ग्राम्य बैंक का आया था 8 नंबर के डे में
पंजाब नेशनल बैंक का आया था 7 डेज में, और जो तीसरा नंबर बैंक था वो भी 7 डेज के अंदर ही आ गया था। कस्टमर को बोल रहे हैं 7 डेज वो वेट करे। 7 डेज का मतलब ये नहीं कि जैसे कि आपका ट्रांजेक्शन का डेट है 13 तारीख, तो आपको 20 तारीख तक वेट करना है, ऐसा नहीं है। 13 तारीख तो छोड़ दीजिए, 14 तारीख से आप कैलेंडर देख लीजिए, बैंक का हॉलीडे कब कब है, वर्किंग डेज कब कब है, वर्किंग डेज को आपको काउंट करना है। उसमें से हॉलीडे आएगा तो आप उस डेट को कट करें, वो काउंट नहीं होता है। तो 7 वर्किंग डेज को आपको काउंट कर लेना है। उसके बाद वो 13 तारीख कटा होगा तो 28 तारीख को भी आ सकता है, बीच में अगर छुट्टी पड़ जाता है तो। सो इसी तरीके से आपको DGPay को चलाना है। इसके बाद मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, काफ़ी सारे लोग करेंट अकाउंट में TDS का पैसा कट हो जाता है, तो इसके बारे में काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। तो मैं क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक करेंट अकाउंट है और मेरे पास SBI का CSP है, ठीक से समझिए बात को। SBI का CSP जिसके पास है, और जो BC है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस के ऑफिस की तरफ से एक ATM कार्ड जारी किया जाता है जो कि करेंट अकाउंट ही होता है। जैसे कि मेरे पास सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, एक और करेंट अकाउंट बैंक BC की तरफ से दिया जाता है, जिस करेंट अकाउंट में सिर्फ आपका होल्डिंग का पैसा ही आता है। जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हैं और आपके CSP के यानी कि आपका बैंक के वॉलेट में आता है वो पैसा, होल्डिंग करते वक्त आपके जाता है वो जो करेंट अकाउंट में जाता है, वो करेंट अकाउंट से आप कैश ओडल कर सकते हैं ATM से या फिर चेक से बैंक से। उसमें आपका TDS नहीं करता, चाहे आप कितना करोड़ का बिजनेस क्यों ना करें। लेकिन जिसके पास CSE ID है, बैंक BC नहीं है यानी कि SBI का CSP नहीं है, तो वो प्रोडक्ट कोड तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक वाले चेंज नहीं करेंगे आपका करेंट अकाउंट का। इसीलिए आपको क्या करना है, आप जितना हो सके उतना कम ATM ट्रांजेक्शन करें, और बैंक से भी कैश दे के आप डिपॉजिट ना करें या फिर चेक से भी ओडल ना करें। अब ये नहीं कि इस बैंक से नहीं करें मतलब दूसरे बैंक से करें, ऐसा नहीं है। आपका पैन कार्ड में ही जितना ट्रांजेक्शन होगा उसके हिसाब से पैसा कटता है TDS, और TDS कट गया तो आपका नेक्स्ट ITR में ही आपका आ जाता है। ITR फाइल करने के बाद वो बताऊंगा कैसे करना है। तो सिंपल भाषा में बोलें तो अगर आपके पास करेंट अकाउंट है तो आप जितना हो सके डिजिटल ट्रांजेक्शन करें। जितना भी अगर आप ट्रांसफर करेंगे मोबाइल से, इंटरनेट बैंकिंग से, तो आपका पैसा काउंट नहीं होगा। जब आप कैश ओडल करेंगे ATM से हो या फिर बैंक से, वो काउंट होता है। और अगर आप चेक से ओडल करते हैं तब भी काउंट होगा। अगर आप कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में वो भी काउंट होगा। ये 3-4 केस में अगर आपका पैसा 20 लाख से ज़्यादा होता है हर फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका TDS कटना तय है। इसके बाद काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कैश नहीं लाएंगे तो काम कैसे करेंगे। तो आप कुछ ऐसा डीलर ढूंढें, कुछ ऐसा दुकानदार ढूंढें जिनको कैश डिपॉजिट करने की मतलब ज़रूरत हो, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं और उनका पैसा आप ला के उनको आप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली, वो आपका अकाउंट नहीं होगा। या फिर आप नियरेस्ट कोई पेट्रोल टैंक में जा सकते हैं जहाँ पर उनको तो कैश ज़रूरत होता है बैंक में देने की, तो आप उनसे कैश ले लेना है और आप उनको कुछ भी माध्यम से आपको पेमेंट कर देना है डिजिटली, अकाउंट पे हो, UPI हो, गूगल पे, फोन पे, जो भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी काफ़ी सारे लोग के सवाल होंगे कि TDS हमारा कट चुका है अब क्या करें। तो अगर आपका TDS कट हो गया है तो इस वीडियो के नीचे मैंने एक वीडियो का लिंक बता दिया हूँ कैसे आपको TDS को रिफंड करना है, कैसे आपको ITR फिलअप करना है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा आपका TDS पैसा कैसे आता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।